हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि मैं कढ़ी किस तरह से बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे कटा हुआ प्याज, कटे हुए आलू और फ्रेश धनिया। आप चाहें तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। तो अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज और आलू के साथ में। और अब बारी आती है इसमें बेसन ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है और इसे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। पहले हम इसमें आधा बेसन डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसकी अच्छी कोटिंग आ जाए। और उसके बाद में जो बचा हुआ बेसन है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है इसमें कर्ड ऐड करने की। तो इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप योगर्ट लिया है। योगर्ट ना हो तो आप थिक कर्ड ले सकते हैं। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो हमारा बैटर तैयार है। अब हम बनाएंगे इसके पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसे गर्म कर लिया है। अब इसमें जिस भी साइज़ के आप पकोड़े बनाना चाहें, छोटे बड़े आप बना सकते हैं। मुझे कढ़ी में बड़े साइज़ के पकोड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं थोड़े बड़े बड़े बना रही हूँ। और आप अगर चाहें तो आप इसमें आलू डालना स्किप कर सकते हैं। आप सिंपल प्याज वाले पकौड़े बना सकते हैं या फिर सिंपल आप बेसन के पकौड़े बना सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह के पकौड़े पसंद हों आप इसमें वो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैंने साइड पे निकाल दिया है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें 2.5 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। फिर इसमें 1 कप कर्ड ऐड कर लेंगे। फिर इसमें हल्दी और रेड चिली पाउडर डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो बेसन है वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप वाटर और इसे एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे। तो अब देखिए जो हमारा बेसन और दही का मिक्स है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे बे लीव्स, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स और ड्राई रेड चिलीज। जब इसमें मस्टर्ड सीड्स क्रैकल करने लगे तो तब हम इसमें ऐड कर लेंगे फेन्यूग्रीक सीड्स और साथ में 1 टेबल स्पून क्रश जिंजर। अब हमें इन्हें अच्छे से पकाना है। फिर बारी आती है जो कर्ड और फ्लोर का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ऐड करने की। तो उसे हम ऐड कर लेंगे और अब 10 मिनट्स तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से काढ़ते रहना है। इसे चलाते रहेंगे हम और 10 मिनट के बाद में जो हमारी जो कढ़ी है इसमें फर्स्ट बॉईल आ गया है। तो इसमें हम सॉल्ट और जो कसूरी मेथी है वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट और इसी तरह से काढ़ते रहेंगे और 5 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं कि जो कढ़ी है इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़े जो हमने तैयार कर लिए थे और उसके बाद उन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कढ़ी में। अब 2-3 मिनट हम इसी तरह से जो पकौड़े हैं इन्हें कढ़ी के साथ में पका लेंगे। और फिर देखिए फाइनल स्टेप अभी हम करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है और इसमें कसूरी मेथी ऐड कर ली है। ये हम इसमें ऊपर से डाल देंगे और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो कढ़ी है वो बनके एकदम तैयार हो चुकी है। और अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैं इसे सर्व कर रही हूँ आज स्टीम्ड राइस के साथ में। आप चाहें तो आप इसे फ्राइड राइस के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।